हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो एक्सेल बिगनर्स के लिए है, जिनको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो हमारा आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हमारा एक्सेल हमारे यूज़ किस लिए होता है। दोस्तों, एक्सेल हमारा यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। मतलब वर्ड वगैरह हमारा किस लिए यूज होता है, अगर हमें कंटेंट लिखना है तो लिखने के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। पर एक्सेल में हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं और हम डेटा एंट्री वगैरह बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक्सेल ओपन कैसे करें। दोस्तों, एक्सेल ओपन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जहाँ पर विंडोज़ पे आपको आना है, मतलब आपके कंप्यूटर में जहाँ विंडोज़ का बटन बना होगा, स्टार्ट लिखा होगा, या आप अपने कंप्यूटर से विंडोज़ की यहाँ से प्रेस करें और यहाँ पर टाइप हेयर टू सर्च यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्सेल। जैसे आप एक्सेल लिखेंगे तो यहाँ पर एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। आपको माउस का कर्सर यहाँ पर ले जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्सेल ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है नए न्यू, यहाँ पर आता है, आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। तो इस तरह से एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जानते हैं दूसरा तरीका एक्सेल ओपन करने का। दोस्तों, दूसरा तरीका एक्सेल ओपन करने का होता है कि हम रन कमांड की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे विंडोज़ पे नहीं आना है, आप डायरेक्टली रन कमांड से वहाँ से ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। जैसे आप विंडो प्लस आर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर रन कमांड की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेल। जैसे आप यहाँ पर एक्सेल लिखोगे, बस आपको यहाँ से ओके कर देना है, तो भी आपका एक्सेल यहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेम उसी तरह यहाँ पर भी आना है, ब्लैंक वर्कबुक पे आना है, तो एक्सेल आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सेल में, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका एक्सेल में यहाँ पर आता है, ये ऊपर एरिया यहाँ पर आपका लिखा है बुक वन एक्सेल, ये हमारा कहलाता है टाइटल बार। और बुक वन यहाँ पर क्या होता है, किसी भी फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है। मतलब किसी फाइल को अगर आप कोई नाम नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बुक वन होता है। जब आप फाइल को सेव करोगे फिर जो नाम आप दोगे वो नाम यहाँ पर शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर ये हमारे टैब होते हैं, जहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब हमारे टैब होते हैं। अगर हम इंसर्ट पे आए तो इंसर्ट से लेकर ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, ड्रॉ से आए तो ड्रॉ से लेकर ऑप्शन, पेज लेआउट से आए तो उससे लेकर ऑप्शन। तो ये सब हमारे अलग अलग टैब होते हैं और इनमें जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पूरे ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रिबन। मतलब सबसे पहला टाइटल बार, टाइटल के बाद टैब, टैब के बाद यहाँ पर रिबन। फिर उसके बाद हम आते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, ए बी सी डी ये सब नंबर यहाँ पर लिखे हैं अल्फ़ाबेट। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर लिखे हैं, जी अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखेंगे। अल्फ़ाबेट हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। इस समय जितना एरिया हमारा पूरा सेलेक्ट है, ये हमारा पूरा एक कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट है। अगर हम यहाँ साइड में आए, यहाँ से अगर हम नंबर सेलेक्ट कर लें तो ये हमारी क्या है, रो। मतलब जहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखें ए बी सी डी वो हमारा कॉलम होता है, जहाँ पर नंबर्स लिखें वो हमारी यहाँ पर रो होती है। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। जैसे इस समय आप जो देख रहे हो इतना एरिया सेलेक्ट है, ये क्या होती है, यहाँ पर सेल होती। और इस सेल में मान लीजिए हमें कुछ भी लिखना है, जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, इस तरह से आप नंबर भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जो आपको कहाँ पर शो करता है, इस नेम बॉक्स में आपको शो करता है। जैसे अगर आप यहाँ पर 1 लिखा है तो आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर C4। अब C4 हमारा कैसे आया, मतलब यहाँ पर कॉलम कौन सा है, सी, और रो नंबर हमारा कौन सा है, 4, तो इसलिए यहाँ पर C4। और अब उसके बाद वाला हम आपसे पूछें तो यहाँ पर क्या होगा, दोस्तों अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके वहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर C5 हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया, सी, और यहाँ पर ये 5, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, C5 हो गया। तो मतलब हर सेल का अपना एक एड्रेस यहाँ पर अलग होता है। अब उसके बाद जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वहाँ पर तो एड्रेस शो कर रहा, और ये एरिया हमारा कहलाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार में जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर शो करता रहेगा। मतलब नंबर लिखेंगे तो नंबर, टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया SS कंप्यूटर क्लासेस, हमने टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पर टेक्स्ट हमारा शो कर रहा है। तो अगर आप नंबर लिखोगे तो नंबर यहाँ पर शो करेगा, टेक्स्ट अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट हमारा शो करेगा। अब उसके बाद अगर हम आए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर पता करना हो टोटल कॉलम कितनी होती है और टोटल रो कितनी होती है। मतलब ऐसे तो हमें पता हो गया कि ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारी रो गई, पर हमें ये भी पता करना हो कि हमारे यहाँ पर टोटल कितनी रो है और टोटल कितने कॉलम है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको यहाँ साइड में आना है और यहाँ पर खाली आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर माउस दबाए रहोगे तो यहाँ पर
आप देखें रो कितनी है, 10,48,576 रो है और 16,384 यहाँ पर कॉलम। अब मान लीजिए हमें लास्ट रो पे जाना है या लास्ट कॉलम पे जाना है, तो हम कैसे जाएं? लास्ट रो पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो आप प्रेस करोगे तो आप लास्ट रो पे यहाँ पे आ जाओगे। इसी तरह आपको फिर से फर्स्ट रो पे आना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो, फिर से आप फर्स्ट रो पे आ जाओगे। इसी तरह आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो लास्ट कॉलम यहाँ पर कौन सा है? SFD। फिर से आपको फर्स्ट कॉलम में आना है तो लेफ्ट एरो। तो इस तरह से आप लास्ट पे, फर्स्ट पे, इस तरह से आसानी से जा सकते हो। अब यहाँ पर फॉर्मूला बार में एक बात आपको और भी बतानी है दोस्तों, जब तक यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट नंबर लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर नंबर शो करता है, पर मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया, हमने यहाँ पर लिखा 10, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे मान लीजिए 100, यहाँ पर एक सम फॉर्मूला ही हम लगा देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इन सबको और यहाँ पर एंटर। तो अगर आप अब यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर नंबर नहीं शो होगा, जो 220 हमारा आया वो यहाँ पर नहीं शो करेगा, अब हमारा यहाँ पर क्या शो करेगा? फॉर्मूला शो करेगा। तो दो तरह से फॉर्मूला बार हमें दिखाते हैं, अगर आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया तो वहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट सेल में लिखा होगा वो दिखाएगा, पर अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो वहाँ पर फॉर्मूला दिखाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सीट 1 है, आप जितनी चाहें उतनी सीट यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ से जितनी सीट्स आप लेना चाहें, जैसा आपका काम हो सीट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर जूम इन साइज आता है, जितना जूम इन साइज आपको करना वो कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम साइज 400% होता है, मिनिमम यहाँ पर कितना है 10%, और डिफॉल्ट यहाँ पर कितना होता है? डिफॉल्ट 100% होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए, उसके बाद अगर आपको फाइल सेव करना हो तो आप फाइल सेव कैसे करेंगे, मतलब आपने काम कर लिया फिर अगर फाइल सेव करना है आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है फाइल में, फाइल में यहाँ पर आना है आपको सेव में, और जिस नाम से भी आप सेव करना चाहें उस नाम से आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपको डेस्कटॉप में सेव करना है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, जो नाम देना हो हमने यहाँ पर दे दिया एक्सेल न्यू फाइल 2020, डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो इस तरह से आप फाइल वगैरह भी अगर आपको सेव करना हो तो फाइल भी आप सेव कर सकते हो। तो यही सारे ऑप्शन हमारे एक्सेल में आते हैं, रो हो गया, कॉलम हो गया, यही सारे ऑप्शन हो गए। और भी एक्सेल के हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम एक्सेल के बारे में और भी ऑप्शन के बारे में बताएंगे आपको कि एक्सेल में और इन सारे ऑप्शन का यूज़ कैसे करें, होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट में कौन से आते हैं, ड्रॉ में कौन से आते हैं, पेज लेआउट में कौन से आते हैं, मतलब कंप्लीट एक्सेल हम आपको डिटेल से समझाएंगे। दोस्तों अगर आपके भी मन में आज के वीडियो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे एक्सेल के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें भी जरूर देख लें। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।